हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे आप सब लोग कहते हैं, खैरियत से होंगे। आज हम लड़कों का रोटी से बहुत ही बढ़िया स्टैंड बनाने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर मैं इंग्रीडियंस ले रहे हैं, चलिए आप लोगों को दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैंने एक आलू लिया था, उसको इस तरीके से बहुत ही बारीकी से, जैसे हम देसी बनाते हैं, उसको कट कर लिया था बहुत बारीकी से। और उसके अलावा जो मुझसे नहीं कटा, वो जो बच गया था, वो बना उसको ना तरीके से मैं कट कर लिया था। अब मैं एक कॉटन क्लोथ लूँगी, उसके बिछा के ना इस तरीके से करके बिछा के पूरे में, और इसके ऊपर सारे बिछा के उसको सुखा के बिल्कुल एकदम बिल्कुल सुखा के करना है मेरे काम, तो बिल्कुल एकदम सुखा के कर लेगा मेरे का लोगों से मिलता है। तो इस तरीके से अपने आलू को जो है वो सुखा लिया, आप जैसे के देख सकते हैं, उसको फ्राई कर लेते हैं। और ये वाले आलू को भी अच्छे से सुखा लिया है, और जिस तरह चलते हैं जो इंग्रीडियंट चाहिए, तो हमें ये इंग्रीडियंट्स चाहिए। उसके अलावा आप लोगों को एक अनियन मिल जाएगी, क्योंकि हमने आप छोटी सी बहुत छोटी सी हमने अनियन ली थी, क्योंकि हमारे पास एक ही रोटी है, हमने एक ही रोटी से बनाना है। और ये तंदूरी की रोटी है, आप लोग चाहे चपाती भी ले सकते हैं। तो इधर हमने जो है वो प्याज को अच्छे से चॉप कर दिया था और वॉश कर लिया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस पर चलते हैं। ये चीज़ें आपके पास आराम से घर में मौजूद होती है, तो इससे आप आराम से इन चीज़ों से आप आराम से अपने घर में बहुत ही आसानी से ये स्नैक बना सकते हैं। इधर मैंने कढ़ाई में तेल गर्म करने रख दिया, फिर इधर हमने कढ़ाई में तेल गर्म करने रख दिया है, और इसके अंदर चिप्स डाल देंगे। ये पोटैटो फ्राई हो रही हैं और हम लोग कॉल काम कर रहे हैं। हमारे पास ये रोटी है, तो हमने उस रोटी को जो है वो इसके ऊपर हाफ पे हम पीने केचप लगा देते हैं वह है, और इसको मैं इस पर हाफ पे लगा दूँगी। हमने इस पर स्प्रेड कर दिया, इस पर इस पर क्रीम इस पर स्प्रेड कर दी, तो ये हमने स्प्रेड कर दिया। इसके ऊपर अनियन डाल देता थोड़ी सी, इसके ऊपर हमने ये डाल दिया, इसको साइड में रखी है। तो इधर ही आप लोग देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी फ्राइज बन के रेडी हुई है हमारी, जो हमने बनाई थी कितनी क्रिस्पी बनी है। तो इसके अंदर हम चाट मसाला डाल देंगे, जिसके अंदर जो है ना मैंने सॉल्ट एंड चाट मसाला ऐड कर दिया था। अब ये जो चिप्स बनाई थी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो ये हमने ऐड कर दिया इस पर। अभी जब हम दूसरे वाले आलू फ्राई कर रहे हैं, तो हम उसको चाहे चलते हैं। तो इधर से है वो हमने निकाल दिया है, चलिए अब इसके प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने निकाल लिया था, और उसके अलावा इसके अंदर हम जो है वो ऐड करेंगे केचप। तो गाइस इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून केचप ऐड कर दिया है, हम इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे। हमने इसके अंदर क्रीम ऐड कर दिया, चाट मसाला ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं चाट मसाला क्रीम ऐड करने के बाद, चाट मसाला क्रीम एंड केचप ऐड करने के बाद नमक भी ऐड कर दिया था हमने इसके अंदर, उसको मिक्स कर लेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं, इसको भी हम सिले रोटी के अंदर जिसमें हमने लेस वगैरह ऐड करी थी उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो जो है वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है। इस तरीके से फोल्ड कर देंगे आप, बहुत क्रिस्पी है ना, तो इसके अंदर आवाज़ आ रही है क्रिस्पी लेस की। तो उसके अलावा हम उसको अब जो है वो फ्राई पैन में फिर तवे में हम लोग उसको जो है वो लाइट सा ब्राउन कर लेंगे और क्रिस्पी कर लेंगे। तो आप लोग ये देख सकते हैं कितना मज़ेदार लग रहा है, चलिए इसको क्रिस्पी करने के बाद करते हैं। तो पैन है हमारा जो है वो गील हो रहा है, अब मैं क्या करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा सबर है, और मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि हम लोग बहुत जल्दी से खाने वाले हैं, अब कैसा होने वाला है। तो आप लोग जो है मुझे कभी शेयर में ज़रूर बताया आप लोगों को कैसा लग रहा है हमारा आज का ब्लॉग, और चलिए खाने लोग की तरफ चलते हैं। फाइनली हमारा जो है वो रेडी हो गया चुका है, ये देखिए कितना मज़ेदार मज़ेदार फीलिंग, और ये बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी हुआ लेफ्ट ओवर रोटी स्नैक। और तो इसके साथ हमारे पास ये श्रब्जा है। आप लोग को आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैगी के लिए एक लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए मुझे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।